नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। मैं सतीश चंद्र आपका दोस्त आज फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि या आपका फोन चोरी हो जाए या फिर गुम हो जाए तो आप लोगों को कैसे पता करेंगे या फिर क्या करना चाहिए। आप लोगों का फोन जो है यदि वो चोरी हो जाता है या फिर गिर जाता है तो आप लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। आप लोगों को सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्या करना है। तो बने रहे हमारी वीडियो में। अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले मिले आपको। तो सब दोस्तों यहां पे सबसे पहला आप लोगों को काम करना है कि आप लोगों को अपने मोबाइल पे कॉल लगानी है और देखना है कि आपके फोन पर घंटी जा रही है या फिर स्विच ऑफ बता रहा है। यदि आपके फोन पर घंटी जा रही है तो आप लोगों को ये सोचना है कि आपका फोन जो है वो गिर गया है, अभी किसी को ना ही मिला है ना ही चोरी हुआ है। तो घंटी जा रही है तो आपको ये सोचना है कि आप लोग सबसे लास्ट बार कहाँ कहाँ गए थे, तो वहां पर जाइएगा और आप लोगों को हो सकता है वहां पे आपका फोन मिल जाए। यदि मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं मिलता है तो आप लोगों को अब क्या करना है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि आपके सबसे इम्पोर्टेंट रहती है सिम। यदि आपकी जो सिम है वो किसी के हाथ लग जाए या फिर वो मतलब किसी के पास वो फोन चला जाए तो उसका वो गलत उपयोग कर सकता है। यहाँ पे गलत उपयोग किस प्रकार से कर सकता है, तो यहाँ पे गलत उपयोग इस प्रकार से कर सकता है कि आपका जो सिम रहता है वो कई सारे अकाउंट से लिंक रहता है। जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इस प्रकार से सारे अकाउंट से वो लिंक रहता है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो आपके सिम है जैसे वोडाफोन है, आइडिया है या फिर जियो एयरटेल, किसी भी नेटवर्क का आपका सिम है तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को कस्टमर केयर का फोन लगाना है, वहां पे अपने सिम को ब्लॉक करवा देना है। ऐसा करने से आप लोगों के जो अकाउंट्स रहेंगे वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमारे अकाउंट्स रहते हैं यदि हम उसका जो पासवर्ड होता है उसको यदि फॉरगेट करेंगे तो उसमें एक ओटीपी आती है। यदि वो ओटीपी मिल जाए तो आपका जो वो नया पासवर्ड क्रिएट करके और आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है या फिर आपके अकाउंट को कुछ भी कर सकता है, यानी गलत यूज कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले अपनी सिम को ब्लॉक करवा देना है। ब्लॉक करवाने के बाद आप आसानी से उसको वो उसी नंबर से आप दोबारा से सिम निकलवाएंगे और दोबारा से अनब्लॉक करवा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई नजदीकी रिटेलर है तो वहां पर जाइएगा और तुरंत से अपनी सिम निकलवा दीजिएगा। तो तुरंत से जब आप सिम निकलवाएंगे तो वो जो सिम पड़ी हुई थी वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। तो आप लोगों को ये सिम ब्लॉक नहीं करवानी है, तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगी और दूसरी सिम आप लोग निकलवाएंगे तो वो तुरंत से चालू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपका फोन प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी मान लीजिए आपने अपने फोन में कोई लॉक नहीं डाल के रखी है, तो उसमें आप लोगों ने एक जीमेल आईडी जो है वो डाल के रखी होगी, तो आप लोगों को क्या करना है, जो होता है गूगल क्रोम उसमें जाना है और वहां पे आप लोगों को सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस। तो वहां पे आप लोग जब फाइंड माई डिवाइस सर्च करेंगे तो वहां पे सबसे ऊपर वाला जो लिंक आएगा फाइंड माई डिवाइस का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आप लोगों को ईमेल आईडी रहेगी, उसके डालने का ऑप्शन आएगा, उस ईमेल आईडी को डालेंगे। जब उस ईमेल आईडी को डालेंगे तो आपकी जो फोन लोकेशन रहेगी सबसे लास्ट की, तो वो फोन लोकेशन दिखा देगा और वहीं से आप चाहें तो अपने फोन को लॉक कर सकते हैं, वहीं से चाहें तो अपने फोन का जो डाटा है वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि यदि आपका जो फोन है वो यदि चोरी हो जाए या फिर गुम हो जाए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।